तो जैसे कि उसके गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर में आलिया भट्ट के साथ ही कुछ और किरदार जो कि काफी ज्यादा पसंद किए गए, खासकर जैसे कि विजय राज का किरदार और अजय देवगन का किरदार। तो जैसे कि उसके अजय देवगन तो गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर में काफी ज्यादा खास दिखे ही है, लेकिन जैसे कि उसके पिछले वक्त जानने को मिल रहा था कि यहाँ पर इस फिल्म में हमें दिखेंगे इमरान हाशमी भी, और उसमें इमरान और अजय देवगन दोनों ही जो कि इस फिल्म में हमें बड़े केमियो करते दिखेंगे। लेकिन जैसे कि उसके गंगूबाई के ट्रेलर में यहाँ पर हमें केवल अजय देवगन की एंट्री होती दिखी। तो जिसके दोस्तों अब यहाँ जानने को मिल रहा है कि इमरान हाशमी जो कि इस फिल्म में करने वाले थे अजय देवगन वाला ही किरदार, जैसे अजय देवगन जो कि फिल्म में हमें करीम लाला के किरदार में दिख रहे, और इसमें इस किरदार के लिए पहले यहाँ पर इमरान हाशमी को कहा गया था, लेकिन जैसे कि इमरान से बात नहीं बनी और यहाँ फिल्म में इस किरदार के लिए अजय देवगन को चुना गया। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ फिलहाल तो जानने को मिल रहा है कि इमरान हाशमी जो कि फिल्म में हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि जैसे क्या इमरान वाले किरदार को ही अजय देवगन निभा रहे। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ देखने वाली बात रहेगी कि इमरान जो कि इस फिल्म में हमें एक अलग तरह के किरदार में दिख जाते, तो जिसकी दोस्तों ये सभी के लिए एक बड़ा सरप्राइज रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर तो काफी ज्यादा गजब का रहा, और जैसे कि अजय देवगन की एंट्री भी काफी ज्यादा कमाल की रही। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ फिल्म में इमरान हाशमी का हमें एक स्पेशल सरप्राइज वाला रोल देखने को मिल जाता है, तो जैसे कि दोस्तों कहा जा सकता है कि ये सभी को काफी ज्यादा चौंका देगा। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।